देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में स्थिति भयावह होती जा रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में इस समय 450 से अधिक कोरोना संक्रमितों के केस एक्टिव हैं, जबकि पिछले वर्ष से अब तक जिले में 16 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौतें हो चुकी हैं। वहीं अब तक 39,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 1,10,000 लोगों का वैक्सीनेशन अभी होना बाकी है। डीएम रुद्रप्रयाग मनोज गोयल का कहना है कि जिले के कोरोना अस्पताल में 120 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है। जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध हैं और लगातार कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं में सुधार किए जा रहे हैं। डीएम ने लोगों से भी एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। वर्तमान में जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण अत्यधिक गति से हर तरफ फैल रहा है। जनपद में इस वक्त पे लगभग 450 एक्टिव केस हैं, जिसमें से अधिकतम नॉन सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष से लेकर वर्तमान तक, जब से कोरोना पिछले वर्ष से शुरू हुआ है, तब से 16 मृत्यु जनपद में हो चुकी हैं और इसमें आगे के लिए लगातार जो है व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार सैंपलिंग करी जा रही है और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कर्फ्यू जो 2 बजे के बाद लगाया गया है और जो 7 बजे से कर्फ्यू है और रविवार के दिन जो पूर्णतः कर्फ्यू है उसका पालन भी सुनिश्चित करवाया जा रहा है। इसके लिए मेरी जनता से भी ये अपील रहेगी कि कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने निकट लोगों को, अपने परिवारजनों को, अपने जानने पहचानने वाले सभी लोगों को सुरक्षित रखें। इसमें सभी को एक दूसरे का सहयोग करने की बहुत बहुत आवश्यकता है और ताकि हम लोग इसके संकट से निपट सकें। वर्तमान में हमारे पास 120 बेड जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग दे सकते हैं उसकी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त हम अन्य भी बेड जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं उनकी अतिशीघ्र व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत हैं, जो कि जल्द ही प्राप्त भी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दवाई हमारे पास पर्याप्त है और इसमें हमारे को जो भी मैन पावर लगनी है, जो भी फोर्स लगनी है, उसको भी हम लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें खुद के साथ औरों को ही नहीं, देश को भी बचाना है। खुद इस बीमारी से बचे रहकर ही हम देश बचाने का संकल्प पूरा कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।